हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कंटेनर क्या होता है, कैसे यूज में आता है, और उसको हम प्रैक्टिकली चला के देखेंगे कि एक्चुअल में कंटेनर का क्या यूज है, कहाँ यूज में आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंटेनर होता क्या है। तो एक्चुअल में कंटेनर क्या है, एक इनविजिबल बॉक्स है। जैसे कि आप यूआई डिजाइन जब भी करेंगे तो आपको एक बॉक्स चाहिएगा। अगर आपको रिक्वायर्ड है बॉक्स की, तो उस बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल चीजों को स्टोर कर सकते हैं एक साथ, जैसे काइंड ऑफ लेआउट। अगर आप किसी भी ऐप डेवलपमेंट फील्ड से आते हैं तो आपको आइडिया होगा कि लेआउट का रोल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल चाइल्ड्स। वैसे ही कंटेनर का रोल होता है। हाँ, कंटेनर के अंदर आप एक ही चाइल्ड डाल सकते हैं, लेकिन उस चाइल्ड के अंदर आप मल्टीपल चाइल्ड डाल सकते हैं। जैसे कि हम आगे सीखेंगे कॉलम्स एंड रोज के बारे में, लिस्ट व्यूज के बारे में, तो उन सबको एक कलेक्टिवली अगर एक बॉक्स में हमको स्टोर करना है, जिसके ऊपर मेरे को कलेक्टिवली प्रॉपर्टी देनी है बैकग्राउंड की, डिजाइन से रिलेटेड, तो उस केस में मैं कंटेनर को यूज कर सकता हूँ। या फिर उन सभी कंपोनेंट्स के ऊपर कलेक्टिवली मेरे को एक सिंगल टैप लगाना है, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मैं एक इनविजिबल कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंटेनर जो होता है वो इनविजिबल होता है। हाँ, उसमें कहीं सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है जिसके थ्रू आप अपने कंटेनर को और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम आगे देखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, सबसे पहले कलर, देन बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स शेडो, ये सारी चीजें हम उस कंटेनर पे अप्लाई कर सकते हैं और कंटेनर को एक नया लुक दे सकते हैं। तो इट इज अ विजेट दैट कंबाइंस कॉमन पेंटिंग, पोजिशनिंग एंड साइजिंग ऑफ द चाइल्ड विजेट्स। मतलब जो भी चाइल्ड विजेट्स हैं उनका एक कॉमन पेंटिंग, या कह सकते हैं कॉमन लेआउट कह सकते हैं, कि एक बॉक्स के अंदर उन सभी को आप रख सकते हैं चाइल्ड लेआउट को, और उनके ऊपर कलेक्टिवली कोई भी आपको डिजाइन बनानी है या डिजाइन के एट्रीब्यूट्स लगाने हैं, तो उस केस में कंटेनर यूज में आता है। अभी जब हम प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कंटेनर का क्या रोल है। ठीक है, इट इज ऑल्सो क्लास टू स्टोर वन और मोर विजेट्स एंड पोजिशन दैम अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। के भाई आपको मल्टीपल अगर चाइल्ड्स की जरूरत है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया आपको मल्टीपल चाइल्ड्स कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। कंटेनर एक चाइल्ड को कैरी करता है, उस चाइल्ड के अंदर आप फर्दर चाइल्ड्स और बना सकते हैं, तो उन सभी को कलेक्टिवली स्टोर कौन करेगा, कैरी कौन करेगा, एक हमारा कंटेनर करेगा। तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग भाई आपके जो डिजाइन है उसके हिसाब से, दो तीन ब्लॉक्स के हिसाब से आपको डिजाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिवाइड करना है, कि भाई ये मेरा एक अलग ब्लॉक है, ये मेरा अलग ब्लॉक है एक ही स्क्रीन के ऊपर, तो उस केस में हम मल्टीपल कंटेनर्स में उन पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर अलग अलग डिजाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं, और फिर उनको हम कलेक्टिवली कोई भी अगर ऑपरेशन उनके ऊपर परफॉर्म करना है तो हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, या डिजाइन रिलेटेड मेरे को कोई भी चीज कलेक्टिवली अगर उन पे लगानी है तो वो मैं कंटेनर के थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ। जनरली इट इज सिमिलर टू अ बॉक्स फॉर स्टोरिंग कंटेंट। कोई भी कंटेंट को आपको स्टोर करना है तो बाय डिफॉल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनविजिबल होता है। इनविजिबल मतलब कोई डिफॉल्ट कलर नहीं होता है, आप कलर दोगे तो वो कलर दिखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर, नहीं तो अनटिल एंड अनलेस। आप एक कंटेनर का मतलब ही होता है कंटेन करना, तो ये स्टोर करता है या ये कंटेन करता है आपके फर्दर मल्टीपल कंटेंट्स को, और आप अपनी जो मेन डिजाइन है उनको इन कंटेनर्स की हेल्प से डिवाइड कर सकते हैं, कि भाई ये जो मेरा सेट ऑफ जो डिजाइन है वो मैं एक कंटेनर के अंदर रखूंगा, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजाइन को मैं एक अलग कंटेनर में रखूंगा, सो दैट उस पर्टिकुलर कंटेनर के ऊपर आप कलेक्टिवली कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। और इस कंटेनर में आपको कई सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे जो ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपके जो दूसरे विजिट्स हैं, जो दूसरे कंटेनर के अंदर है या कंटेनर के बाहर है, उससे कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सके जो कंटेंट आपके कंटेनर में पड़ा है या जो चाइल्ड विजिट्स आपके कंटेनर के अंदर पड़े। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल व्यू दिखा देता हूं कि कैसा कंटेनर एक्चुअल में दिखता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये इक्वल साइज बॉक्स है, ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना सकते हो, आप इनकी एजेस को राउंड कर सकते हो। एजेस को राउंड करना हम सीखेंगे डेकोरेशन के अंदर, डेकोरेशन वाली जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डेकोरेशन कहाँ यूज में आता है, कैसे यूज में आता है, उसके अंदर कौन सी क्लास को यूज करना है, बॉक्स डेकोरेशन क्या होता है, बॉक्स शेडो क्या होता है, उन सभी चीजों को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो वापस कंटेनर में उन चीजों को मैं अप्लाई करवाऊंगा। तो अभी के लिए आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कंटेनर होता क्या है, कहाँ यूज में आता है और कैसे उसको यूज लेना है। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो यहाँ पे आप एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज कर सकते हो, VS Code भी यूज कर सकते हो। तो मैं Android Studio यूज कर रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप Android Studio यूज करो। अगर आप फैमिलियर हो VS Code के साथ में तो आप VS Code पे भी सेम कोड लिख सकते हैं, सिर्फ ID चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे Android Studio को प्रेफर कर रहा हूँ। आप VS Code पे अगर फैमिलियर है और VS Code पे कोडिंग कर रहे हैं अभी तक, तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। बस आपको मेन जो हमारी मेन डॉट डार्ट होती है उसमें कैसे कोड करना है, जो लिब वाला फोल्डर होता है उसमें कैसे अपनी डार्ट फाइल्स को मैनेज करना है वो आपको सीखना है, कोड कैसे करना है डार्ट के अंदर, फ्लटर के कंपोनेंट्स को कैसे यूज करना है, वो मेन हमारा पर्सपेक्टिव है, ना कि हम कौन सा आईडी यूज कर रहे हैं। तो इट्स इररिलेवेंट कि आप कोई सा भी आईडी यूज करें, प्रोग्रामिंग वैसी होगी, कोडिंग वैसी होगी, डिबगिंग वैसी होगी, और अपनी ऐप को आप टेस्ट भी चला के भी वैसे ही देखेंगे। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का, आप यहाँ से भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, जो हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि कैसे हम
कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू फ्लटर क्रिएट करके भी हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर। तो उस तरीके से भी आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर आप एंड्रॉइड स्टूडियो या वीएस कोड से उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो और वीएस कोड के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एक प्लगइन मिलता है जिसकी हेल्प से हम इसके थ्रू ही एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करवा सकते हैं। तो मैं भी वही चीज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं और इस प्रोजेक्ट का जो भी आपको नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। हम देख चुके हैं कैसे फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। तो जितने भी तरीके से हमने फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट किया उन सारे तरीकों को आप यूज कर सकते हैं, बट जो मोस्ट रिलेवेंट होगा, जो मोस्ट इजीएस्ट होगा और जो मोस्ट कॉमन होगा उसको आपको यूज करना है, जो आपके लिए इजी होगा कि भाई यार इस तरीके से मैं फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो आप उस तरीके से फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे लिए मेन चीज क्या है आज की क्लास में कि कंटेनर क्या होता है, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो मैं आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम कंटेनर को यूज करते हैं और जब हम कंटेनर लिख रहे हैं कोड तो एक्चुअल में दिखेगा कैसे, क्या यूज है उसका। तो वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली उसके अंदर एमुलेटर के अंदर चला के देखेंगे। तो फ्लटर यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जो भी बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा जैसे कॉटलिन है, स्विफ्ट है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं पहले जब हमने फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए थे, इन केस अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आपको इस कोर्स के अंदर पहले के लेक्चर्स में वो मिल जाएगा जिसमें हम डिटेल में आईडी के बारे में समझ रहे हैं, डिटेल में कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है उसके बारे में समझ रहे हैं और कितने तरीके से आप फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में समझा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फिनिश करते हैं और हमारा नेमिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अंडरस्कोर्स का यूज करें और जो नेम रखे वो आप स्मॉल लेटर्स में रखें, ठीक है, ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा एक फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा फ्लटर बेसिक्स नाम से, और अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, कंटेनर को यूज करेंगे, कंटेनर की प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या क्या हमको ऑप्शन मिलते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट मिलते हैं और उनका क्या रोल है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप फ्लटर प्रोजेक्ट खोलते हैं तो आपको ये काउंटर वाला एक ऐप बना बनाया मिलता है, हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हमको कंटेनर को समझना है। तो मैं जो इररिलेवेंट डेटा है इन सभी को मैं हटा दूंगा और ये हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इस कोड को हटा सकते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और बिल्डिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं इसके ऊपर कोई भी काम कर सकता हूँ। और मैंने जो भी इररिलेवेंट डेटा था जो बाय डिफॉल्ट आता है काउंटर ऐप आपकी बन के आती है जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे हटा दी है। अब सिर्फ हमने एक बेसिक होम पेज क्रिएटेड है और बॉडी में अभी अपन ने कुछ काम नहीं किया है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे आपका मेन इस पेज का जो ये करंट पेज है इस पेज का नाम क्या है, माय होम पेज। तो इसके लिए आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं कि कंटेनर का क्या रोल है, तो मैंने बाकी सारी चीजों को हटा दिया है। यहाँ पे एक टाइटल में इश्यू आ रहा है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट टाइटल आगे से लेके आता है, तो हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं फ्लटर कंटेनर, ठीक है। तो हमारी ऐप का हमने जो टाइटल है वो फ्लटर कंटेनर दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना वो आप दे सकते हैं। ये ऐप बार होती है आपकी जो फोन के जो बार होती है, ऐप बार जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जो टाइटल दिखेगा ये उस टाइटल की बात हो रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो जब हम बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी एक विजिट लेना होता है आपको, ठीक है, जिससे कि आप पूरा जो डिजाइनिंग है वो आप डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। तो आप इसमें कोई भी विजिट ले सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। आज हम कौन सा विजिट ले रहे हैं, कंटेनर विजिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा टाइप करना है कंटेनर, एंड तो जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे आपको सजेशन में कंटेनर मिल जाएगा, एंटर कर देना। पूरा भी लिखो तो कोई इश्यू नहीं है, आपको सिर्फ इसका मेथड इन्वोकेशन करना है, ठीक है। केवल नाम लिखने से नहीं होगा, आपको ये स्मॉल ब्रैकेट ऑन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज ये एक ऑब्जेक्ट का कॉलिंग होता है, तो वो आपको यहाँ पे लगाना है क्योंकि इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कॉलिंग के अंदर इसका मतलब होता है इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और इस कंस्ट्रक्टर में कुछ ऐसे ऑप्शनल पैरामीटर्स होंगे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो वो आप यूज कर सकते हैं। कैसे, आपको इसके अंदर आ जाना है एंटर करके, और जब आप यहाँ कंट्रोल स्पेस करोगे तो इस पर्टिकुलर कंटेनर के कंस्ट्रक्टर में जितने भी एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं वो सारे ऑप्शंस आपको यहां मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप केवल कंटेनर लेते हैं और चला के देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, आपको पूरा ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूं, मेरा एमुलेटर यहां पे ऑन है तो हम इसको रन करते हैं और आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, एकदम व्हाइट स्क्रीन दिखेगी, आपको कुछ भी चेंज नहीं आया क्योंकि इनविजिबल होता है ना। तो हमने यहां पे कलर दिया है और कलर भी देते तब भी नहीं दिखता क्योंकि हमने कोई साइज नहीं दी है, हमको साइज देनी पड़ेगी, एक बॉक्स एक तरह से इनविजिबल बॉक्स है, तो बॉक्स को कलर भी दे दिया लेकिन बॉक्स की अगर आपने साइज मेंशन नहीं करी है तो कुछ भी नहीं शो होगा, ठीक है। तो एक बार ये बिल्ड हो जाए तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि एकदम व्हाइट ब्लैंक स्क्रीन है, कुछ भी नहीं हुआ है, कंटेनर हमने ले रखा है लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कंटेनर बाय डिफॉल्ट इनविजिबल होता है जब तक आप कलर नहीं करेंगे और जब तक आप उसको साइज नहीं देंगे। आगे हम साइज बॉक्स भी समझेंगे कि साइज बॉक्स क्या होता है और कंटेनर और साइज बॉक्स में क्या डिफरेंस है, बट आज की क्लास में हम देख रहे हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंटेनर। तो यहाँ कंटेनर मैंने ले लिया लेकिन कोई डिफरेंस नहीं पता चला और साइड में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ डीबग वाला आ रहा है, इसको हम हटा सकते हैं। इसके लिए आपको मटेरियल ऐप में जाना है और यहाँ पे डीबग बैनर करके एक आपको एट्रीब्यूट मिलेगा,
debug show checked mode banner, इसको हम कर देंगे फॉल्स। और इसमें हॉट रीलोड का फीचर होता है, तो जैसे ही मैं स्विच करूंगा, मतलब जैसे ही मैं एमुलेटर को ओपन करूंगा या कंट्रोल एस करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हॉट रीलोड होगा और जो मैंने चेंजेस किए हैं वो उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे अप्लाई होके आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं डीबग था और डीबग ऑटोमेटिकली हट गया, क्योंकि जैसे ही मैंने स्वैप किया, स्वैप करते ही कंट्रोल एस ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और अगर आप नहीं भी करते हैं और अगर आपका एमुलेटर साइड में ही लगा हुआ है या आपका फोन आपके पास में ही है, तो जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हॉट रीलोड होगा वो स्क्रीन, और जो चेंजेस आपने उस स्क्रीन में किए वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है फ्लटर के साथ वर्क करने में। उसका जो इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड स्पेसिफिक है वो है आपका जेआईटी, यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो आपके लिए उसी टाइम पे उन चीजों को कंपाइल करता है और आपकी स्क्रीन पे दिखा देता है। ठीक है, तो ये उसका रोल होता है। और जब आप एपीके बनाते हो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, एपीके या जो भी जो फाइल है इंस्टॉलेबल फाइल उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो वो जो फाइल्स बनती है वो कंपाइल होती है आपके एओटी से, अहेड ऑफ टाइम, टाइम से पहले कंपाइल होता है एंड देन फिर उसको एग्जीक्यूशन में लाता है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ये हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट भी हो जाता है। और जब हम फाइनली प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं तो उससे पहले जो हम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करते हैं वो होती है आपके एओटी कंपाइलर के साथ में, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो ऐप होता है वो और स्मूथ चलता है और फास्ट चलता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करते हैं, अभी दिख नहीं रहा है, मैं इसमें सबसे पहले तो विड्थ और हाइट देता हूं। तो विड्थ आप इस तरीके से दे सकते हैं, मैं इसको 100x100 का बॉक्स बनाता हूं एक बार, विड्थ 100 एंड हाइट 100। और जैसे ही मैं स्वैप करूंगा यहाँ पे एक बॉक्स बन चुका है 100x100 का, लेकिन विजिबल नहीं है। आप कहोगे कहाँ है, दिख तो नहीं रहा, नहीं दिखेगा क्योंकि कलर नहीं है, बॉक्स बन चुका है। पहले तो पॉइंट था, अब वो बॉक्स बन चुका है 100x100 का। अब वो दिखेगा कैसे, जब आप इसको कलर दोगे। तो कलर देने के लिए आपको सिंपल सा कलर एट्रीब्यूट यूज करना है, और कलर्स क्लास मिलती है कलर्स डॉट करके, इसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से कोई सा भी आपको कलर चाहिए वो आप कॉल कर सकते हैं, आप खुद का कलर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं एक बार के लिए कलर देता हूँ, जैसे ही मैं स्वैप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है उसमें एक बॉक्स आ चुका है। हालांकि कंटेनर इन डिजाइन पर्पस के लिए भी यूज में आता है कि कलर बैकग्राउंड चेंज करना, बॉक्स का साइज चेंज करना, बॉक्स डेकोरेशन देना, लेकिन मेन पर्पस क्या होता है, ये मल्टीपल चाइल्ड को कंटेन भी कर सकता है। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे चाइल्ड एट्रीब्यूट यूज करना होता है। चाइल्ड के अंदर आप कोई भी विजिट लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ विजिट को स्टार्ट किया है, पहला ही विजिट हमारा कंटेनर है। आगे आने वाली क्लासेस में हम टेक्स्ट, इमेज, सब विजिट्स एक एक करके समझेंगे और उसको ऐप में बिल्ड करेंगे। तो अभी के लिए मैं सिंपल सा आपको टेक्स्ट वाला यूज करके बता देता हूँ कि यहाँ पे चाइल्ड लिया, एक ही चाइल्ड आ सकता है इसमें, और इस चाइल्ड के अंदर मल्टीपल चाइल्ड और आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा कर देता हूँ हेलो डेवलपर्स या हेलो डेवऑप्स। ठीक है, जैसे आप इसमें देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंटेनर के अंदर हमारा जो भी हमने टेक्स्ट दिया था, जो भी चाइल्ड दिया था, ये मैंने टेक्स्ट चाइल्ड लिया, कोई भी चाइल्ड ले सकते हैं। आगे हम रोज एंड कॉलम समझेंगे, लिस्ट यूज समझेंगे, ये सारी चीजें भी आप इसमें एज अ चाइल्ड यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कहता है कलेक्टिवली इन सारी चीजों को कंटेन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम कंटेनर। ठीक है, और इसको अगर हमको सेंटर लाना है तो हम एक सेंटर विजिट होता है जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं। आगे मैं उसको भी डिटेल में समझाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंटेनर को रैप कर देता हूँ सेंटर विजिट के साथ में, जिससे कि क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सेंटर में आ जाएगा। तो अगर मेरे को कंटेनर को सेंटर में लाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर करूंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप एक ऑल टूगेदर एक अलग से सेंटर विजिट बना सकते हैं, सेंटर विजिट भी मिल जाएगा। इसके अंदर इसको चाहिए होता है चाइल्ड जिसको सेंटर में लाना है। ठीक है, और इसको पूरा स्पेस मिल गया क्योंकि हमने बॉडी में सेंटर लगा दिया है। तो जो बॉडी है वो किसकी है, पूरी हमारी स्क्रीन की, तो उसका सेंटर मतलब जो एक्चुअल में आपकी स्क्रीन साइज का सेंटर होगा वही होगा। ठीक है, तो मैं इस कंटेनर को यहाँ से कट करता हूँ और इस चाइल्ड के आगे पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये जो बॉक्स है, ये जो हमारा इनविजिबल कंटेनर है, अब तो विजिबल हो चुका है क्योंकि हमने इसको एक कलर दे दिया है। तो ये जो कंटेनर है वो एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में आ चुका है। इसको एक और शॉर्ट तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम सेंटर की और भी प्रॉपर्टीज होती है, कहाँ यूज में आता है, ये सब हम सेंटर विजिट की जो क्लास होगी उसमें सीखेंगे। टेक्स्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, टेक्स्ट कहाँ यूज में आता है, कैसे स्टाइल्स मैनेज होती है, वो सब हम टेक्स्ट की जो क्लास होगी उसमें सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको कंटेनर के बारे में समझा रहा हूँ, इसलिए इन पर्टिकुलर विजिट्स को मैं यूज कर रहा हूँ जिससे कि आपको बेटर समझ में आए कि एक्चुअल में कंटेनर क्या काम करता है। इसलिए मैंने टेक्स्ट विजिट को यहाँ यूज किया है और सेंटर विजिट को यूज किया है। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको कंटेनर को रैप करना होता सेंटर विजिट के अंदर, जो हमने अभी किया, उसका एक शॉर्ट तरीका होता है, आपको सिर्फ ऑल्ट प्लस एंटर करना है कंटेनर के ऊपर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रैप विद अ विजिट। ठीक है, अगर आप इसमें जाओगे तो कहीं सेंटर भी मिल जाएगा, तो रैप विद अ सेंटर, रैप विद अ विजिट मतलब किस
किसी भी विजिट से इसको रैप किया जा सकता है। जैसे मैंने क्या ऊपर देखो विजिट आ गया, अब जो भी विजिट एलिजिबल है कंटेनर को एज अ चाइल्ड लेने के लिए तो वो आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटर लगा दूंगा, डायरेक्ट सेंटर करता तब भी यही होता, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे रैप विद द सेंटर करूंगा तब भी यही होगा, और जैसे मैं चला के देखूंगा तो सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब सेंटर वाली क्लास में हम समझेंगे सेंटर के साथ में और क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, कहाँ पे अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, तो ये सारी चीजें हम सेंटर वाली क्लास में सीखेंगे। तो आपको कंटेनर समझ में आ गया होगा, कंटेनर कहाँ यूज में आता है, कैसे यूज में आता है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। इसमें और भी कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट उनको समझने के लिए पहले उन एट्रीब्यूट्स को इनडिपेंडेंटली समझना पड़ेगा। जैसे कि आपका अलाइनमेंट हो गया, बॉक्स डेकोरेशन हो गया, वो कहाँ यूज में आते हैं, कैसे यूज में आते हैं, पहले उनको समझेंगे, फिर जब मैं उनको समझाऊंगा तो उनके एग्जांपल में वापस मैं कंटेनर लूंगा और उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ वो एट्रीब्यूट्स लग सकते हैं और कंटेनर में वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।